दोस्तों फिर सबका स्वागत है प्रांतोष्टेक चैनल पे। देखिए ये और एक टेस्टर है दोस्तों। पिछले वाला जो टेस्टर था उसमें 5 आईसी टेस्टर था, इसमें और एक ऐड हो चुका है। मतलब कि इसके आप जो भी आईसी का टेस्टर बनाना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसका टेस्टर बना के देने का, ठीक है। ये जो टेस्टर है दोस्तों ये किसी एक दोस्त का है। तो इसमें देखिए IR 2110 2113 जो भी आईसी है इसमें टेस्टिंग होगा, और ये जो LM 311 होगा सेम डायग्राम में 3-4 आईसी है वो भी टेस्टिंग होगा। ये 4049 टेस्टिंग होगा, और इसके साथ ये सिंगल OPAMP है TL071 या 074 या 081 टेस्टिंग होगा। और ये वाला जो टेस्टर है ये ड्यूएल OPAMP जैसे 5558 या 5560 या 5532, इस तरह का जो जितने भी ड्यूएल OPAMP है इसमें टेस्टर होगा। और ये 555 जो आईसी होता है टाइमर आईसी उस वो टेस्टिंग होगा। मतलब क्लास डी का ये कंप्लीट पैकेज है दोस्तों। तो ये पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, और इसका किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि सर इसमें एक आईसी टेस्ट कर सकते हैं या सारे आईसी लगाने के बाद ही टेस्ट हो पाएगा। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, किसी भी एक आईसी लगा के भी आप टेस्ट कर सकते हो। चलिए मैं इसको एक आईसी ले लेता हूँ, इसमें शायद ये आईसी का नंबर आपको दिख जाए, या कोशिश करता हूँ मोबाइल से, है ना, उतना है भी। हाँ IR S 2110 और IR 2110 एक ही चीज़ होता है, थोड़ा बहुत उसका जो डेट टाइमिंग थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ये भी टेस्ट कर सकते हैं आप। चले हम इसमें डाल देते हैं, देखिए कोशिश करता हूँ डालने की। देखिए ये सिग्नल देना स्टार्ट होगा, मतलब आउटपुट जो इसका निकलना है गेट ड्राइविंग के लिए वो निकल रहा है। तो इसका निकल देता हूँ। इसमें और एक आईसी है मेरे पास, देखिए ये वाला आईसी भी IR S 2110 का ही होगा, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है शायद IR S 2110 का है। तो इसको लगाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है इसमें। देखिए सारे कुछ बंद हो चुका है, मतलब ये आईसी डैमेज है इसलिए इसका आउटपुट भी कुछ नहीं है। ये जो आगे का जो सिग्नल है वो भी डैमेज हो चुका है। तो इसमें हो सकता है ये हीट हो या ना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आईसी खराब है, ये डैमेज आईसी है। तो ये एक आईसी मेरे को सही निकल गया। चलो इसमें हम इसको इनबिल्ट कर ही देते हैं कि ये एक आईसी मिल गया तो इसको लगा देते हैं इसमें। ये लगाने या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, आप किसी एक आईसी को भी इसमें टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है 4049 आईसी है मेरे पास, CD4049 आईसी, दिखाने की कोशिश करूँगा, तो शायद दिख रहा है आप लोगों को। तो इसको लगाते हैं, इसका जो पॉइंट है इस पॉइंट में देखिए ये भी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करता हूँ लगाने की, एक हाथ में फोन है दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही है। देखिए ये सारे LED अगर ठीक ठाक ऑन ऑफ हो रहा है तो मतलब ये IC का जितने भी आउटपुट है नॉट गेट का सारे ओके है। अगर किसी भी एक ऑन हो गया या बंद होके पड़ा हुआ है तो IC डैमेज है, IC निकाल दीजिए बाहर फेंकी IC को, ठीक है। तो ये भी IC मेरे को हो गया टेस्टिंग। तो इसमें एक, चलिए ये मेरे पास ये IC आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो देखिए LM 311 P लिखा हुआ है, तो इसको लगाता है इसका टेस्टिंग पॉइंट पे। देखिए मैंने लगा दिया, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब ये जो आईसी है ये डुप्लीकेट आईसी है या डैमेज आईसी है जो भी है मेरे को पता नहीं, शायद ये डुप्लीकेट आईसी है या डैमेज है जो भी है, ये काम नहीं कर रहा है सही से। तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं ढूंढता हूँ ये और 311 आईसी, एक सेकेंड देखता हूँ ये कौन सा आईसी है, देख लीजिए। नहीं, देखिए मेरे को एक और आईसी मिल गया है, कोशिश करते हुए दिखाने की। इसका जो वैल्यू है एक बार देख लीजिए, जो लोग क्लास H एम्पलीफायर रिपेयर करते हैं उनके पास जो 311 वाला मॉड्यूल आता है तो उस आईसी को भी इसमें टेस्ट कर सकते हो। देखिए ये LM 311 P लिखा हुआ है, ये थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है सही से, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ LM 311 P। तो इसको हम इस पॉइंट पर लगाते हैं, देखते ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, ये सही है खराब है। देखिए ये ब्लिंकिंग स्टार्ट होगा,
मतलब ये भी आईसी ओके है। देखिए मैंने तीन आईसी लगा दिया, तीन का काम तो ठीक ठाक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आईसी है, और एक बार दिखा देता हूँ इसका नंबर अगर दिख जाए मोबाइल पे, 311 PE है और IR 1S 4049 वाला है। अभी जो मेरे पास है इसको 555 वाला आईसी है, टाइमर आईसी। चलिए टाइमर आईसी इसमें इस पॉइंट पे लगा देते हैं, टाइमर आईसी का पॉइंट पे देखता हूँ क्या होता है। लगा नहीं मेरे ख्याल से, लगा दिया हो। देखिए कोई काम नहीं कर रहा है, एक LED ग्लो होके बैठ गया है, मतलब ग्लो होना नहीं चाहिए, ब्लिंकिंग होना चाहिए। तो ये डैमेज है, इस आईसी भी डैमेज है। देखिए मेरे पास तीन आईसी ऑलरेडी डैमेज निकल चुका है, मतलब बहुत सारा आईसी मार्केट से लाते हो तो डैमेज होता है, फिर उसको लगाने के बाद अगर वो एम्पलीफायर चालू ना हो तो फिर दिमाग में आता है यार ये सारे कुछ चेंज कर दिया फिर भी नहीं चल रहा है, शायद कोई दूसरा और लोचा हो सकता है। तो इसलिए ये आईसी टेस्टर है। चलिए ये 300 के 555 आईसी मेरे पास और भी है, उसको टेस्ट करते हैं नया वाला को। देखिए ये और एक आईसी निकल लिया मैंने, 311 555 वाला आईसी है। देखिए 555 इसमें शायद दिखाई दे रहा है, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसके जगह पे। देखिए ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये भी आईसी ठीक है। मतलब ये टेस्टर बहुत बढ़िया है दोस्तों, जिसको भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में काम करना है तो इस तरह का आईसी टेस्ट करना है तो आपको ज़रूरत है। और ड्यूएल OPM तो हर एक एम्पलीफायर में लगता है, तो इसको टेस्ट करने के लिए भी ये आप बोर्ड चाहिए, ठीक है। ड्यूएल OPM हर एक एम्पलीफायर में होता है। देखिए ये ड्यूएल OPM 4558 या कुछ है, इसमें नंबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये ड्यूएल OPM है दोस्तों। ये शायद एक सेकंड में देख लेते हो, ये 4560 है, 4560 वाला है। तो इसको लगा देता हूँ इस पॉइंट पे। देखिए ये भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगर किसी एक LED ग्लो होकर बैठ गया है या वो ग्लो नहीं हो रहा है तो ये ड्यूएल OPM काम नहीं कर रहा है, तो ड्यूएल OPM चेंज करना होगा। अभी लास्ट में और एक IC ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो उसको भी टेस्ट कर लेता हूँ। ये TL071 है या TL074, जो भी है आपके पास, TL081, सारे सिंगल OPM जैसा, इसका जो सर्किट डायग्राम उस तरह का मिल जाए तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने सारे आईसी को टेस्ट कर दिया हूँ। अगर आप एम्पलीफायर रिपेयर करते हो तो ड्यूएल OPM के लिए या सिंगल OPM के लिए या 311 के लिए या TPL5 के लिए या डी क्लास बनाते हो तो सारे आईसी डी क्लास में लगता है। तो इसके लिए आपको ये बोर्ड 100% ज़रूरत है, वरना आपका बहुत सारा आईसी वेस्ट होगा, आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप सोच नहीं सकेंगे कि ये किस लिए हो रहा है। तो इस आईसी टेस्टर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इस आईसी टेस्टर आपको बीरो बोर्ड में ही मिलेगा, क्योंकि कॉपी करने के लिए हर एक बंदा बैठा हुआ है। अभी भी इंडिया में यूट्यूब चैनल पे किसी ने ये सेल नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। बाद में देखेंगे बहुत सारा का प्रिंटेड PCB आ जाएगा मार्केट में। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। अगर इसको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट करिए, तो जो भी रेट होगा व्हाट्सएप पे बताया जाएगा, ऐसे नहीं बताया जाएगा। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।